पायसन क्या वो मेरे ख्याल से टाइगर भी घूम रहा है ना आपके यहाँ। राजू सर क्या हो गया? सांड आ रहा घर के अंदर, घूम रहा बार बार। क्या वो मेरे ख्याल से टाइगर भी घूम रहा है ना आपके यहाँ, इस वजह से टाइगर या लेपर्ड तो डर रहा है, सांड भी। उसमें तो पहले टाइगर ने हाथ मार रखा है। इस पे? इसी सांड पे। अच्छा जी। वो बार बार आ जा रहा घर के अंदर, घुस जा रहा। अच्छा, बेचारा सेफ फील कर रहा होगा, वही मैं डर गया, मैंने कहा भागते हुए। 3000 का नुकसान कर दिया। क्या खा गया? कभी वो शीशे के गिलास तोड़ दिए, अभी देखो फ्रिज गिरा गया, वो देखो सारा, वो देखो भाई यार, मेरा तो इसने 2-3 हजार का नुकसान कर दिया। अरे ना ना, वो तो मैं कर लूंगा, लेकिन उठाए ना ना, उसको भगाना, वो फिर आ जाएगा, फिर आएगा। वो टाइगर ने मार रखा उस पे हाथ। अच्छा जी। हाँ, एक हफ्ता पहले। अच्छा जी, डरा हुआ है। डरा हुआ है वो? हाँ डरा हुआ। आप यहाँ बाहर सोते हो क्या? ना ना, घर के अंदर। आप तो ये चरपाई डाल रखी है ना, मैंने कहीं टाइगर आमने सामने आया है। वो सब आ जाता, अगर वो आता तो हमें खुशबू पहले आ जाती है, हो जाते हमें पता चल जाता है इस जगह पे कौन सा जानवर है। देखा, टाइगर होगा तो टाइगर का पता चल जाएगा, एलिफेंट होगा एलिफेंट का। हम 12 साल कॉर्बेट के अंदर ड्यूटी करी है। तो चाचा आपने क्या ड्यूटी करी है फॉरेस्ट गार्ड की? ना, हमने फायर वॉशरी की ड्यूटी करी। फायर वॉशरी? आप जंगल में पैदल जाते होंगे? पैदल जाते, रात भर जंगल में रहते थे, जंगलों में आग लगती थी उसको बुझाते थे, और जानवरों का ध्यान रखते थे। तो क्या करते थे आप जो सामने टाइगर आ गया? बिल्कुल, टाइगर देखो आदमी से भी डरता है, ऐसे जानवर इंसान से डरता है, लेकिन इंसान की भूख टाइगर से 4 गुना ज्यादा होती है। अच्छा। आदमी की भूख से टाइगर खुद ही रास्ता काट के निकल जाता है। अच्छा। यदि कोई आदमखोर टाइगर हो तो वो टाइगर जो है इंसान से नहीं डरता, तब नहीं डरता, बाकी सब टाइगर डरते हैं सारे हर। तो दोस्तों, अब हम उस जगह आ गए हैं जहाँ पर आज जो टाइगर था वो भागा है। इसके पीछे कोसी रिवर है और वो हो सकता है यहाँ पर कहीं हो। तो फिलहाल आ गए हैं यहाँ देखने के लिए कि क्या मूवमेंट है और क्या सीन है। देखते हैं क्या कैप्चर करते हैं आप लोगों के लिए, क्या आपको दिखाते हैं। ये किसी की प्रॉपर्टी है यहाँ पे, और राइट साइड में पूरी आपको कोसी नदी दिखेगी अभी जैसे हम घुमाएंगे। इधर ही भागा वो पीछे की तरफ। हाँ, यहीं से भागा था, देख नहीं पा रहे थे। वो सिर्फ पेड़ इतने घने हो रहे हैं ना, वो सिर्फ रिवर नहीं दिख रही इस टाइम। अरे इन्होंने रास्ता कर दिया। तो जंगल का एक बहुत हसीन नज़ारा देखो, कैसे हिरन बैठे हुए हैं, उठ गए वो, कितने प्यारे लग रहे हैं जाते हुए। ये सारे मेल नहीं है। तो ये जो आप देख रहे हैं ना दोस्तों, ये सेफ फील करते हैं ऐसे, और आबादी के पास खड़े हैं तो कुछ आबादी के आसपास रहते हैं, या हो सकता है अपने आप को सेफ फील करते हैं इधर, टाइगर के चांसेस कम है तो यहाँ आ जाए। कितना प्यारे लग रहा है जंगल में, ये चीज़ आपने नहीं देखी होगी, घर बैठे तो आप बिल्कुल नहीं देख सकते। ये देखिए, ये जंगल का रात का नज़ारा है, देखो आगे निकल गए। कितना प्यारा शॉट आ रहा है, अगर कैमरे से वो कैप्चर तो कितना ही गजब फोटो आया है, बहुत अच्छा फ्रेम है ये। और ये जंगल के बहुत रेयर नज़ारे थे, अब कहने को लोग कहेंगे आप डियर दिखा रहे हो, तो दोस्तों डियर ऐसे इतनी आसानी से भी नहीं दिखते हैं। अगर आप मैं कहूँ शहरों में तो आप बिल्कुल ये सोच नहीं सकते इन नज़ारों के बारे में, जंगल है तो फिर भी ये नज़ारे देख सकते हैं। देखो कैसे मस्ती में जा रहे हैं, हम इन्हें डिस्टर्ब करना नहीं चाह रहे और ना ही हम डिस्टर्ब कर रहे हैं, ये अपनी राह पे हैं और हम अपने रोड पर हैं। तो इनसे थोड़ा सा डिस्टेंस बना लिया अब हमने कि इन्हें कोई परेशानी ना हो, बस इन्हें देखने का मकसद ये है कहीं कोई प्रीडेटर तो नहीं, कि जिससे ये थोड़ा घबरा रहे हो। हालांकि अगर इनको कोई प्रीडेटर होता आसपास तो ये अलार्म कॉल देते, लेकिन कभी कभार होता है कि एकदम ये भी समझ नहीं पाते और टाइगर या लेपर्ड आ जाता है, तो वो सीन ये होता है अपोजिट डायरेक्शन में हवा चल रही होती है तो इनको उसकी स्मेल नहीं आती, लेकिन कोई पत्ता भी गिरता है तो एकदम ये अलर्ट हो जाते हैं। दोस्तों ये निकल के आया, इन्होंने देखा टाइगर, बोलना नीचे करना,
कुछ दिखाई थोड़ा दिया होगा उसके बाद में शेर गाँव की तरफ नीचे पीछे बगीचे भी सुनिए बीड़ी जंगल के सामने थे जहाँ क्रिकेट खेलते थे लॉन में इसमें अच्छा इसी में ही अच्छा कब दिखाई दिया शाम को दिखाई दिया दिन में ना सुबह तो दिखाई दिया मगर उसके बाद फिर कुछ पता चला अच्छा अच्छा जो उसमें वो है तेरे क्या बोलते हैं क्या हुआ चढ़ा लो पता चल रहा है हम यहाँ बात कर रहे हैं वहाँ से इंटरव्यू देने आ गए भाई तो घर को नहीं है ना सुबह कहाँ को आया इधर को आया यहाँ को अच्छा बड़े डर है यार अच्छा तुम भी अभी उठे हो अभी तक अच्छा नहीं यार टाइगर ही हाँ टाइगर आंगन में बता रहे आंगन में आया लेपर्ड आया हुआ लेपर्ड ढूंढ रहा कुत्ते कुत्ते के लिए वो चाचा बता रहे थे परसों कहाँ अच्छा लगा रखा है यार चुप रहो अब वापस जाएगा वो खामोश है ना अरे यार दोस्तों टाइगर मिस हो गया हमसे यहाँ पर और आज मेरा डैश कैम भी काम नहीं कर रहा था और टाइगर क्रॉस करके चला गया क्या तगड़ा टाइगर मिस हुआ है यार गाइस हमसे कसम से दिल चाह रहा मैं अपने डैश कैम को फेंक दूँ चलो आगे से घुमा के लो क्या पता वापिस आया पीछे पकड़ना दोस्तों बहुत दिनों बाद इस रोड पे दो बाइक वाले दिखे हैं वरना रात में यहाँ बाइक पे कोई ट्रैवल नहीं करता ये यकीनन गांव वाले होंगे जो जा रहे हैं हालांकि अब ऐसा कोई टाइगर का वो नहीं है कि टाइगर अटैक करेगा लेकिन एक उन हादसों के बाद यहाँ पर एक ट्रेंड बन गया था रात शाम में दिन ढलने के बाद कोई बाइक नहीं जाती थी तो ये दो बाइक वाले बहुत दिनों बाद दिखे मुझे अब पता नहीं और कोई गाँव उससे पहले कोई कट है गाँव के लिए हो सकता है सुंदरखाल में रुक जाएं ये लोग हाँ एक सुंदरखाल का है हाँ सुंदरखाल के ही हैं ये लोग एक सुंदरखाल में चले गए भाई और एक आगे चले जाएंगे मोहन नहीं जा रहे होंगे उस तरफ वो रूट ज़्यादा खतरनाक है ना वो रूट 3 लोग देखे स्कूटी पे और पीछे एक गाड़ी वाला था और अभी मैं इनसे यही जिक्र कर रहा था शानू भाई से कि यहाँ पर अब कोई बाइक वाला नहीं होता और वो ट्रिपलिंग करते हुए जा रहे हैं और वो थोड़ा नशे की हालत में थे तो मैंने उनसे उलझना सही नहीं समझा मैंने वीडियो भी नहीं बनाई वो एकदम से हुआ एकदम से आगे चले गए स्कूटी लेके तो मैं हमेशा कहता हूँ भाई ऊपर वाला ही मालिक है कैसे कर लेते हैं यार ये लोग अभी कोई इंसिडेंट हो जाएगा तो फिर वही उंगलियाँ फिर बाघ पे उठेंगी शीशे शीशे मत करना मुझे कर क्या रहा है नशे में पायथन क्या जबरदस्त पायथन है अबे रुक जा पायथन ही है वैसे तो ये है भाई वो निकालने के लिए टॉर्च लाना पड़ेगा नहीं टॉर्च निकाल लूँ पकड़ लो नहीं बहुत सुस्त जानवर कहाँ है टॉर्च अरे इसमें पीछे पड़ी तो है हाँ निकाल ले कितने फिट है निकालो निकालो बाबा बहुत गलत लगा कोई बात नहीं चलो चलो दोस्तों जो बिल्ली देख रहे हैं आप ये देखो कैसी घबराई हुई है ये हमारी गाड़ी से भी नहीं डर रही क्यों घबराई हुई है ये आगे नहीं जाना चाह रही है पोजीशन ले ली किल की या तो कोई आगे इसका शिकार है तो दोस्तों अभी बज रहे हैं 1:35 और मैं बैठा हूँ बाहर जंगल में मेरे साथ कोई नहीं है पूरी गाड़ी खाली है सब सो गए हैं 1 बजे का टाइम है मैं बैठा हूँ टाइगर की मूवमेंट के लिए जो मेरे चारों तरफ हो रही है देखिए जंगल है इधर तो जंगल में कोई नहीं है इस टाइम देखिए देखते हैं क्या कैप्चर करता हूँ मैं अकेला बैठा हुआ हूँ यहाँ पे 1:30 बजे का टाइम है तो चीज़ें होती हैं दोस्तों करनी पड़ती हैं आपको कुछ अच्छा कॉन्टेंट दिखाना है तो थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है नींद ख़राब करनी पड़ती है और थोड़ा सा वक्त ख़राब करना पड़ता है ताकि आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट दिखाऊं और जो रॉ नेचर है उससे मैं आपको रूबरू कराऊं कि रॉ नेचर कैसा होता है जब जंगल
सन्नाटा और ये एनिमल्स कैसे लगते हैं रात में, तो वो एक्सपीरियंस कराना है। बस बशर्त है ये मेरे आसपास से ही ना गुजर जाएंगे जो भी चीज़ है। तो डर भी है थोड़ा सा दिल में हला, और गाड़ी में हूँ तो थोड़ा सेफ भी फील कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी उतर के तो जाना ही पड़ेगा मुझे अकेला। जंगल में काफ़ी अच्छे सीन हुए, सुबह एक टाइगर आ गया और अभी हम रात में जा रहे थे तो एक पाइथन मिला। क्या एक खूबसूरत पाइथन था वो, क्या उसका लुक आ रहा था, दी जा रहा था उसे हाथ से पकड़ लूँ, लेकिन वाइल्ड लाइफ ऐसे डिस्टर्ब नहीं करना। लोग खड़े होकर वीडियो बना रहे थे, मैंने भी थोड़ी सी वीडियो बनाई आप लोगों को दिखाने के लिए। और अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, साइड में कीड़े मकोड़े चल रहे, देखो उड़ गए। देखता हूँ क्या ही कैप्चर करूँ, थोड़ा सा डर भी लग रहा है, पीछे बोर्ड की लाइट है तो रोशनी नहीं, तो आसपास जो भी मूवमेंट होगा मैं उसे ईजिली रिकॉर्ड कर लूँगा। तो गाड़ी आ रही जा रही है अभी, तो ये कोई मेरी भी वीडियो बना के जा रहा था तो देख रहा होगा कि जंगल में गाड़ी क्यों खड़ी है ऐसे साइड में, और गाड़ी की लाइट भी ऑन थी, चेहरा भी दिख रहा होगा मेरा। तो बस बैठा हुआ हूँ इंतज़ार में, दो बज चुके हैं, अभी तक कोई मूवमेंट नहीं है दोस्तों। चलो आज नहीं तो कल सही मूवमेंट, कल नहीं तो परसों, अभी न कभी तो कैप्चर करेंगे उसे। उम्मीद है, उम्मीद पे दुनिया कायम है, और नेवर गिव अप वाली मेरी आदत है, मैं किसी चीज़ पे गिव अप नहीं करता हूँ, जो भी काम करता हूँ दिल से करता हूँ, पूरी ईमानदारी से करता हूँ। तो ऊपर वाले ने चाहा तो जल्दी कुछ ऐसा दिखाऊंगा आपको जंगल में जो बहुत कम दिखा होगा आपने। तो बस इसी उम्मीद के साथ दोबारा आपसे विदा लेता हूँ कि आपको जल्दी कुछ दिखाऊंगा, तब तक हमारे चैनल से जुड़े रहना और हमारे वीडियोस को आगे भी शेयर करते रहना। थैंक यू।